क्या आपने कभी सोचा नहीं है कि काश आप भी एस्ट्रोनॉट की तरह स्पेस में जाकर रह सके। आपने कई बार एस्ट्रोनॉट को स्पेस में जाते देखा होगा और सोचा होगा कि काश आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ स्पेस में जा सके। अगर आपने इस बारे में सोचा है कि आप भी स्पेस में जाके रह सके तो आपकी ये विश जल्द ही पूरी हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्यूवर्स। मेरा नाम है ऋषभ राज और लेकर आया आपके लिए कमाल की साइंस वीडियो, जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ दी फर्स्ट स्पेस नेशन एस्गार्डिया के बारे में। आपको क्या करना है, बस वीडियो आखिरी तक देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए इन्फिनिटी क्यूवर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए फॉर वाचिंग ऑसम वीडियोज ऑन रूबिक्स क्यूब साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 12 अक्टूबर 2016 को रशियन साइंटिस्ट इगोर असुरबेली ने एक आइडिया सबके सामने रखा जिसमें हम ह्यूमन भी स्पेस में जाके रह सकते हैं। और उस आइडिया में था कि हम लोग स्पेस में एक स्पेस नेशन बनाएंगे जिसका नाम रखा गया एस्गार्डिया। तो इस आइडिया को पूरा करने के लिए 12 नवंबर 2016 को एस्गार्डिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका नाम था एस्गार्डिया 1। और 12 नवंबर 2022 तक ऐसे ही कुछ सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में सेटल करना है जिससे एक बड़ा सा स्पेस नेशन बन सके जहां हम लोग रह सकें। अब सवाल ये भी आता है कि इसका नाम एस्गार्डिया क्यों रखा गया। तो एस्गार्डिया का नाम रखा गया एस्गार्ड से, जो कि 9 के उन 9 देशों में से एक है जो उड़ सकता है। इसके बारे में आपने एवेंजर में देखा ही होगा। तो एस्गार्डिया को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसका जवाब यह है कि साइंटिस्ट चाहते हैं कि जो देश स्पेस और टेक्नोलॉजी में पीछे है वो स्पेस के बारे में जाने। और इसका एक वजह यह है, हमारे स्पेस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे धरती के लिए खतरा बन सकती है, जैसे कि एस्ट्रॉइड, कॉस्मिक रेज, दूसरे उपग्रह। तो धरती को उससे बचाने के लिए ये इसको बनाया जा रहा है। और इसका एक वजह यह भी है कि स्पेस में आना जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बहुत से लोग इसके सिटीजन बन चुके हैं और अगर आपको भी इसका सिटीजनशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सवाल ये भी उठता है कि ये जो देश है इसका नेशनल एंथम क्या होगा, नेशनल फ्लैग क्या होगा। तो इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने एक कॉम्पिटिशन चालू किया जिसमें आप पार्ट और वोट दोनों कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इसके गवर्नेंस के बारे में, तो इसमें है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डिवाइड होगा 3 ब्रांच में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि हमारे इंडिया में भी है। और इसमें जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसमें पार्लियामेंट भी है जिसमें 150 मेंबर्स है। और अगर बात करें एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, तो इसमें जो सुप्रीम पावर जिसके पास है, जो कि हेड ऑफ नेशन है, वो है इगोर असुरबेली, जो कि 5 साल के लिए इसके हेड ऑफ नेशन है। और अगर हम लोग बात करें जुडिशरी ब्रांच की, तो इसमें सुप्रीम जस्टिस है यून जाओ। तो रशियन साइंटिस्ट इगोर असुरबेली की इस आइडिया ने बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाया है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ब्रांच में, जिसके कारण हम ह्यूमंस भी अपने पृथ्वी के बाहर एक देश बना के रह सकते हैं, जो कि एक शुरुआत है, जिसके कारण शायद हम लोग आगे चलकर किसी ग्रह को खोज सके जहाँ पे जीवन मौजूद है और वहाँ पे हम लोग ह्यूमन कॉलोनीज बसा के रह सकें। इस आइडिया के कारण हम ह्यूमंस अपने कॉलोनीज स्पेस में बसाने की ओर चल चुके हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब ह्यूमन कॉलोनीज पृथ्वी के अलावा किसी और दूसरे ग्रह पे भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको स्पेस में जाना चाहेंगे कि नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। Life itself is a pleasant you'll ever have and you can make the utmost of it. Taking time, push your heart and now then you did. There's no time to stay here stalling. We have it all to be someone infinite.